नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ स्वाति। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो तमाम राजनीतिक पार्टी है वो पहुंच चुकी है जनता के बीच अपना घोषणा पत्र लेके। लेकिन किन मुद्दों पर जनता अपने नेता को चुनेगी, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उस शहर में जो अपने नाम से ही बुलंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की। तो इंडिया 24/7 की टीम आज बुलंद शहर में पहुंच चुकी है। आज चुनावी चौपाल हमने यहां पर लगाई है। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का वेलकम करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ मुनीर अकबर जी यहां पर मौजूद है, शहर अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे साथ सपा से अनिल देशभक्त जी मौजूद है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ बीजेपी की विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद है और उनके बगल वाली सीट आप देख सकते हैं बीएसपी की है, लेकिन वो खाली है। शायद नेताओं का इंतजार है, वहां पर आज कौन जवाबदेही करता है बीएसपी की तरफ से, ये भी देखना होगा। सबसे पहले हम रुक करेंगे यहाँ पर कांग्रेस से मुनीर अकबर जी का। मुनीर जी, सपा से गठबंधन कर लिया है, आप किस रणनीति के तहत आप चुनावी रण में उतरेंगे? मैडम, हमारा जो समझौता हुआ है वो यहाँ पर संपत्ता ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है और हमने देखा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा विकास करा। राहुल गांधी के द्वारा ये समझौता हुआ है और ये आज जो प्रदेश के अंदर है, आज प्रदेश में राहुल अखिलेश को बहुत पसंद करा जा रहा है और उसी गठबंधन को आगे तक ले जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो अब सपा से जानते हैं कि क्या इस गठबंधन से फायदा होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। 298 सीटों पर लड़ रहे हैं, 105 सीटें आपने कांग्रेस को दी हुई है। क्या लगता है यूपी में एक बार फिर ये गठबंधन जीत हासिल करेगा? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होनी है। वैसे तो समाजवादी पार्टी ने इतने विकास के कार्य किए हैं, माननीय अखिलेश जी ने सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं, चाहे छात्र हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, सभी लोगों के लिए कार्य किए हैं। और समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर भी सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में इनकी रणनीति को फेल करने के लिए गठबंधन किया है और नारा भी दिया गया है, यूपी में अखिलेश और राजीव का साथ पसंद है। इस नारे के तहत हम बुलंदशहर जिले में भी बिल्कुल क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, सातों की सातों सीट गठबंधन को मिलेंगे। अनिल जी, क्या बीजेपी से आप डर गए थे, गठबंधन क्यों करना पड़ा आखिर एसपी को? नहीं नहीं, डरने की कोई, हम बतला रहे हैं ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, लगातार जो है कह रहे हैं, हमने विकास के इतने कार्य किए हैं, चाहे किसानों के कर्ज माफी का हो, चाहे व्यापारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात हो, चाहे मेट्रो चलाने की बात हो, चाहे लैपटॉप बांटने की बात हो, हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है, विकास के इतने कार्य किए हैं, आज सड़कें बहुत बढ़िया हैं, सारे अस्पताल हैं, 108 एम्बुलेंस हैं, इतने कार्य किए हैं कि आज की स्थिति ऐसी है कि 300 से ज़्यादा ही सीट आएंगी। मेरा तो विचार है 325 प्लस सीट उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मिलेंगे। बिल्कुल, ये तो नतीजों से ही सपा की और कांग्रेस की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएंगी। विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की स्पीकर है। विजय लक्ष्मी जी, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश ने ये नारा दिया है, यूपी को ये साथ पसंद है, क्या लगता है ये युवा बीजेपी को हरा पाएंगे? देखिए, जिनकी खाट खड़ी हो गई वो साइकिल पर सवार हो गई, वो साइकिल भी जो बेटे ने अपने बाप से छीनी, उस साइकिल पे राहुल गांधी आज बैठ गए हैं और यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जब विकास का या इनके जवाबदेही का समय आया तो ये लोग आपस में लड़ने लगे और पब्लिक का माइंड कन्वर्ट करने लगे। आज मुलायम सिंह को सिर्फ उनकी छोटी बहू, बड़ी बहू, उनका दामाद, भाई, बेटा, ये सब उनकी दुनिया है, बाकी उत्तर प्रदेश से उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो अब आरएलडी के भी हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, अनु चौधरी। अनु जी, जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कांग्रेस, आरएलडी और सपा गठबंधन करेंगे, अब क्या, अब आरएलडी तो गठबंधन नहीं कर रहा है, किस रणनीति के तहत अब ये रण में उतरेगा, क्या जो चुनावी रणनीति होगी आरएलडी की?
हमारी तो रणनीति स्पष्ट है, एकला चलो की है। चौहान साहब ने निर्देश दे दिया 403 की 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और ये गठबंधन की जो ये सब अफवाह थी आप लोगों का, सब हमारे मीडिया के मित्रों ने अपना चलाई सब, चौहान साहब ने कभी भी गठबंधन की बात नहीं की। ये मीडिया ने अपनी तरफ से, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाया, हम कभी गठबंधन के पक्षधर नहीं थे। विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे अब आरएलडी के? हमारा एक तो विशेष मुद्दा हरित प्रदेश का है ही, छोटे राज्यों के पक्षधर हैं हमारे नेता, और हाईकोर्ट बेंच की हमारी मांग है। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि छोटे छोटे राज्य बने, हरित प्रदेश अलग बने, किसानों का प्रदेश बने, और हाईकोर्ट यहाँ पे अपना ही आ जाए, बेंच नहीं, हमें तो पूरा हाईकोर्ट ही चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जनता मौजूद है, बुलंदशहर की आवाम मौजूद है, इनका भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। बताइए क्या परेशानी है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सालों की राजनीति आपने देखी, कई नेता आए चले गए, लेकिन बुलंदशहर कितना बदला? बुलंदशहर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और अखिलेश सफल रहेंगे। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राहुल जी ने जो समझौता किया है, इसके आधार पर 300 प्लस सीट जीतेंगे। 5 साल सपा रही है, सपा ने कोई काम किया हो किसानों के लिए? एक कर्ज माफी से लेके किसी भी मामले में कोई ना, तो कर्ज माफी है, सब धरातल पे कुछ नहीं है। यहाँ तक कि किसानों को बीज भी नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या किसानों के बिजली में, बिजली के बिलों पे जबरदस्ती 5 हॉर्स पावर की मोटर को 7.5 हॉर्स पावर की मोटर कर दिया, जबरदस्ती बिल ना उगाने के कारण उसे, उसकी लाइन काटी जा रही है, उसके तार उतारे जा रहे हैं। अच्छा, उनसे जबरदस्ती वसूली करने के लिए कि भाई तुम या तो पेमेंट जमा करो वरना तुम्हारे कनेक्शन काटे जाएंगे। गन्ने का पेमेंट 2-2 साल का रुक, 1 साल का किसान का जिसका पेमेंट रुक गया हो, वो कैसे बाजार से अपना बीज लेगा, कैसे खाद लेगा, कैसे अपने बच्चों को फीस जमा करेगा स्कूल की? सिंभावली शुगर मिल का अभी भी पिछले साल का पेमेंट अभी हुआ है 4 दिन पहले, इस साल का पूरा बकाया रहेगा, वो अगले साल मिलेगा। तो 2-2 साल में जब किसान को पेमेंट पल्ले पड़ेगा, उसके गन्ना लेने के लिए उसकी सबसे बड़ी समस्या, उसे पर्ची नहीं मिल रही है, कहने के लिए इन्होंने सब चीज़ उसमें लागू है, लेकिन किसान का जब गन्ना ही नहीं लेंगे, कम गन्ना लेंगे अपना उतना ही, अगर ज़्यादा महंगा गन्ना होगा तो गन्ना कम लेंगे, अगर सस्ता ले देंगे तो उसे ज़्यादा गन्ने किसान लेंगे। अपनी मोनोपोली है मिल वालों की, अपनी मोनोपोली है गवर्नमेंट की, और हमारी तरफ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, इतना भी नहीं है कि दो पैर रखकर भी निकल जाएं। हम सरकार बोलती है कि हम रास्ते बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो इतना भी नहीं कि पानी का रास्ता भी हो जाए, इतनी परेशानी है हमारे लिए। तो एक बार सरकार आकर हमारी गली को देखे, बहुत से विधायक भी और नेता लोग भी, मेंबर भी, सभी ने आकर नहीं, कई कई दफ़े आकर देखा हमारे यहाँ पे, बोलते हैं कि जी हम आपका करवाएंगे, आपका करवाएंगे, हर साल वोट लेकर चले जाते हैं, फिर तो कोई उजक कहीं नहीं देखता, और आकर वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद गायब होते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। मैं मैम केवल एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ सारे पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, जो सरकार में आ रहे हैं वो भी हैं, मैं केवल इनकी राजनीति पर केवल 2 लाइनें कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ये सारी पार्टियों के लोग बैठे हुए एक कह रहे हैं, मैं नंबर से बताता हूँ, वो कह रहे हैं हरित प्रदेश बनाएंगे, हर सरकार में वो मंत्रालय रहा उनके पास, कितना उन्होंने काम किया, उनके बराबर में कांग्रेस के लोग बैठे हैं, अभी 3 महीने 60 साल जो लोग देश में गरीबी मिटाने की बात करते रहे, 60 साल उन्हें हो गए, कितना और टाइम गरीबी मिटाने की चाहिए, उनके बराबर में देशभक्ति बैठे जो कह रहे हमने बहुत विकास किए, तो तुम्हें सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? 72,825 2011 से वैकेंसी पेंडिंग है, जो सरकार से भी उसका सारा जियो पास हो गया, ये 72,825 की भर्ती 5 साल में नहीं कर पाई, ये क्या विकास करेंगे? बराबर में भाजपा वाले बैठे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, वो भी अच्छे दिन लाने की बात करते, कहां अच्छे दिन के नारे चले गए। तो ये सारे लोग केवल सियासत करने के लिए काम करते हैं, यहाँ कोई आदमी जो है काम करने के लिए काम नहीं, राजनीति नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही जनता के और सवाल है और पूछते। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला कांग्रेस के बारे में कि बहुत अच्छा विकास किया, 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया इन्होंने, 44 साल तो इन्होंने बुलंदशहर पे भी राज किया है, और देश पे तो 60 साल राज किया है, देश विकास नहीं, अगर अंग्रेज होते तो इससे अच्छा विकास होता। 53,000 किलोमीटर रेलवे लाइन अंग्रेज बिछा के गए, शायद ये किसी को नहीं मालूम है, टोटल इन्होंने 12,000 किलोमीटर 70 साल में 12,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया है हमारे देश की सरकार ने, उसमें से भी जो वाजपेयी बिछा गया 2000, बाकी कांग्रेस ने 60 साल में
टोटल जो है 10,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया है, आज जो है कुछ नहीं किया है। आज कश्मीर समस्या सब कांग्रेस की देन, पीओके कांग्रेस की देन। अगर यूएन में नहीं जाते आज पीओके समस्या नहीं होती, कश्मीर समस्या नहीं होती। 370 धारा जबरदस्ती किया अम्बेडकर जी के मना करने पर कि कुछ गद्दारी, इतना शब्द अच्छा बोला था कि कोई गद्दार आदमी ही इस धारा को शामिल कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, उनको वापस भगा दिया था, पर्चा फेंक दिया था। लेकिन नेहरू जी ने जबरदस्ती किया शेख अब्दुल्ला को भेज के, और जितनी भी आज समस्या है सारी की सारी कांग्रेस की देन है। 60 साल में देश का नाश कर दिया। AK-47 जैसी हमारे पास इंसर राइफल है जो वर्ल्ड की सबसे थर्ड क्लास राइफल है। मैं सैनिक हूँ, मेरे को मालूम है ऐसी राइफल विश्व के अंदर छोटे छोटे देश में नहीं है। बुल्गारिया वगैरह इनको देखो कहाँ पहुँच गए, AK-47 वगैरह। बिल्कुल, जो सैनिक अपने देश के लिए जान देता है उसको ही चीजें मुहैया नहीं की जाती। और भी जनता मौजूद। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा लाइन ऑर्डर का है, जो इस सरकार ने 5 सालों में लाइन ऑर्डर बिल्कुल खराब कर दिया। लूट अपराध की घटनाएं बहुत हुई हैं, बलात्कार बहुत हुए, हमारा व्यापारी सब वर्ग बैठे यहाँ पे। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा लाइन ऑर्डर का, जब हमारा लाइन ऑर्डर ही ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा समाज खराब हो जाएगा, माताओं बहनों का निकलना वाला दुश्वार है। तो हमें ऐसी सरकार बनानी है जो लाइन ऑर्डर पे अच्छा काम कर सके, लाइन ऑर्डर को मजबूत कर सके। ये कांग्रेस बीजेपी सपा सब हमारा कहना गलत है, कोई विकास नहीं चाहता, सब पार्टियां विकास चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य सारे काम करना चाहती हैं, क्योंकि जितना काम करेंगी उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। अब बीजेपी की ये कह रहे हैं, बीजेपी आई है मोदी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टेंडर बिना कमीशन के हो रहे हैं। अब ये गंगा घाटों की सफाई कार्य चल रहा है, इसमें गंगा घाट सफाई कार्य में कितने करोड़ों के टेंडर हो रहे हैं, मतलब एक घाट की सफाई का टेंडर 5-5 करोड़ रुपए का, उसमें कितने आदमी लग रहे हैं, 10 आदमी, मतलब एक साल के लिए 10 आदमी 5 करोड़ रुपए में, तो कमीशन नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट आए, किस गवर्नमेंट में कमीशन खत्म हुआ, चाहे बीजेपी सही, सपा सही, कांग्रेस सही, मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। तो बताइए, भाजपा अगर तो किसानों की विरोधी पार्टी है तो वो कोई भाजपा है? अगर तो किसानों का खून चूस के उद्योगपतियों को 45,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्चा है, 45,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से किसान मर रहे हैं और उनके लिए मन की बात है। भाजपा वाले दाऊद को लाने की बात करते थे, माल्या जी को भी ले देकर भगा दिया। राम मंदिर बनाएंगे बोलते हो, डेट नहीं, कुछ कह रहे थे आप साहब। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी छोटा सा, लेकिन मेन चीज क्या है कि देश में कांग्रेस की जो बात हमारे भाई कह रहे थे अभी, कांग्रेस ने 60 साल में क्या काम नहीं किया, 60 साल में सुई से लेकर हवाई जहाज, तोपखाने, परमाणु बिजली घर, और नहीं कमीशन, बोफोर्स घोटाला क्या है, कमीशन सिद्ध करिए, नहीं कोई कारगिल युद्ध, सिद्ध किसका, कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध को, कारगिल युद्ध को हमारी बोफोर्स तोपों ने जीता था, बीजेपी गवर्नमेंट थी, कमीशन तो लिया था, सिद्ध करिए, कमीशन सिद्ध करिए, अगर कमीशन लिया सिद्ध करो, FIR कराइए हमारे खिलाफ, बांट रहे हो FIR, देखिए कर्जा माफ करो, अपने घर की जमीन बेच के माफ कर रहे हो, सब हम पे कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो, और हमें ही वो कर रहे हो, कमीशन नहीं लिया, और कोई कमीशन नहीं लिया, FIR कराइए, FIR। सरकार का पैसा जो है जनता का पैसा जनता तक ही जा रहा है, घूम फिर के वही सब आ रहा है, आप क्या बताएंगे? किस विषय में बताऊं मैडम, यहाँ तो 70 साल यूपी बिहार 27 साल कह रहे हैं, अब 60 साल में इन पर हिंदुस्तान तो सही हुआ ना, ये यूपीए कैसे सुधारेंगे, चोर का भैया चोर, दोनों साझी हो गए, अब कैसे मिल गए, जब से तो ये कह भाई 5 साल में कुछ ना करा, अब कैसे मिल गए उनसे, फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे ये पूछो। युवा का क्या हाल है, युवा सही जानते हैं। मैडम यहाँ जब मुख्यमंत्री चार रहे हैं तो किसी को तो विकास करना चाहिए था, दिल्ली मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है, ना ट्रेन है, ना बसों की अवेलेबिलिटी है, बस यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रीज एरिया है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है, कहाँ जाए युवा, कहाँ रोजगार करे, कहाँ नौकरी करे। आपकी पार्टी क्या लगता है, ये जो जनता के जो मुद्दे सामने आए हैं इनके, इनको रिजॉल्व किया जाएगा? अभी हमारे एक भाई ने बड़े जोश में कहा कि जो है हरित, भाई एक सेकंड सुन लो यार, एक सेकंड बैठ जाए आप लोग।